राजस्थान के भीलवाड़ा में गुरुवार को एक मुस्लिम युवक की हत्या के बाद तनाव की स्थिति हो गई और इस घटना के बाद भीलवाड़ा में 48 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने हालात को सामान्य करने की पूरी कोशिश की। प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद धरना प्रदर्शन खत्म करने पर भी सहमति बन गई। मुस्लिम समाज ने धरना समाप्त कर दिया, वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, मुफ्त शिक्षा और नौकरी दी जाएगी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जल्द दोषियों को भी बेनकाब करेगी। तो राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मुस्लिम युवक की हत्या के बाद बेहद तनाव की स्थिति, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भीलवाड़ा की। तो मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया, जिसके बाद से प्रशासन को अलर्ट करना पड़ा और पूरे इलाके में आपको बता दें 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद रखनी पड़ी। हालांकि 20 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और पुलिस से दावा ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कर रही है कि जल्द ही दोषियों को बेनकाब कर दिया जाएगा। दरअसल गुरुवार को भीलवाड़ा में दिन दहाड़े दो सगे भाइयों पर बाइक सवार 4 बदमाशों ने फायरिंग की थी और इस वारदात में एक भाई की मौत हो गई थी जबकि दूसरा घायल हो गया था। मृतक का नाम इब्राहिम पठान उर्फ भूरा है और ये वारदात भीलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई। इब्राहिम की मौत के बाद शहर में तनाव फैल गया और इंटरनेट सेवाएं बंद करने की नौबत आ गई, लेकिन प्रशासन अब हालात को सामान्य करने का प्रयास कर रहा है। स्थिति को नियंत्रण में अब बता रहा है प्रशासन। यहाँ भीलवाड़ा का जो मर्डर केस है जिसमें 2 लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और पीछे से एक स्कूटी पे 2 लड़कियों ने आके उन पे फायर किया, बड़ी क्लोज रेंज से फायर किया। घटनास्थल को देखने के ये चीज़ क्लियर होती है और उनमें से दोनों को गोली लगी और उनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है, एक घायल है जो कि हॉस्पिटलाइज है और जो इसमें एक्यूज्ड हैं उनकी पहचान हो चुकी है और पुलिस टीम्स उनके रेड्स कर रही हैं और जल्द ही पकड़े जाएंगे। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।